इसके अंदर आज हम जो है ऑयल डालने वाले हैं टंकी के अंदर। ऑयल हम इसलिए डालेंगे, गाड़ी के अंदर जो होता है टंकी के अंदर हमारा कई बार क्या होता है जंग आ जाता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, टंकी के अंदर जंग नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ से जो होता है हमारा कंप्रेसर, ये जो होता है ये कंप्रेसर काफ़ी लो हो जाती है, बाइक स्टार्ट नहीं होने लगता, ना ही सेल्फ से ना ही किक से, यानी कंप्रेसर हमारा बाइक का जो होता है घट जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लग खोलते हैं, कभी यहाँ पर ऑयल पिलाते हैं, तब जाके बाइक का कंप्रेसर आता है, उसके बाद बाइक स्टार्ट होती है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑयल डालकर यहाँ पर कभी चलाते हैं, जैसे कि एक लीटर में आप 20 ml को डालते हैं और उसके बाद आप अगर बाइक को चलाते हैं तो काफ़ी स्मूथ लगेगा, लेकिन ऐसा तब करना है जैसे कि आप 1 महीने 15 दिन के बाद एक बार 1 लीटर के साथ, या अगर जैसे आप 2 लीटर डालते हैं तो 40 ml डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी आप चला के देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा, जो भी कोई तरह का दिक्कत नहीं रहेगा आपके टंकी में, ना ही जंग आएगा और ना ही कंप्रेसर बाइक का कटेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए हम आपको ऑयल डालकर दिखाते हैं, चाहे वो होंडा की बाइक हो, चाहे हीरो की बाइक हो, या TVS की बाइक हो, कोई सी भी बाइक हो, हर बाइक के लिए ऑयल फ़ायदा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ऑयल जो है हमेशा आपको न्यू ऑयल डालना है, जैसे कि अभी मैंने इस बाइक में ऑयल डाला, अब उसी से मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ। तो ये ऑयल डालने से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा यही होता है कि जैसे टंकी में जंग नहीं आएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ये सब जंग से भी बचेगा और कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम हमेशा आपका दूर रहेगा, इससे काफ़ी फायदा होगा। इसलिए ऑयल का जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टंकी में हमेशा ऑयल डालना है, 1 लीटर में 20 ml को यूज करना है, इससे कि काफ़ी फायदा होगा आपको, नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमेशा जो है आपको ऑयल का यूज करना है। नेक्स्ट